मास्टर साहब को सामने पड़ा मास्टर साहब और पीठ पीछे, अरे बड़ा हरामी है मास्टर। हालात जैसे बुरे हुए, अरे भाई साहब इतना मुश्किल मेरे से कैसे होगा, ये उल्टी करना होगा। कुत्ता भी ऐसे उल्टी करता है जब उसको घी दिया जाता है। गोल है सर, 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, लेकिन उसने बोल दिया कि अरे नौकरी लगवा देंगे। नौकरी लगवा दोगे? कितने की नौकरी? 10,000, 15,000 की नहीं होगी? हाँ हो जाएगा। हाँ तो डाल दो ना एप्लीकेशन, तो मेरा डाल ही दो। ले कहाँ 10 लाख की सोच रहे थे, 15,000 के पीछे भाग रहे। कोई मोटिवेशनल बात होगी? अरे एनर्जी 2 दिन काम करेंगे ऐसा कि आज तक कभी किए नहीं, लेकिन तीसरे दिन सर बहुत तबीयत खराब है, बुखार आ गया आपको पता नहीं है सर। लेकिन पकैती करने में अपने आप को इतना मजा है, उसने इतनी प्रैक्टिस करी, इतना अभ्यास किया है। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे अपनी फिल्म को प्रमोट करवाने के लिए उसके पास आते हैं। मैं देखता हूँ गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगा होता है महाकाल, और वो जो स्टिकर लगाया रहता है गाड़ी में, वो पूरा चौड़ में रहता है। रिक्शा वाला कहीं टच हो गया तो रिक्शा वाले को एक थाप मार देगा, तुम पता नहीं कौन महाकाल लिखा हुआ है। फॉर्च्यूनर खरीद लिए थे हम, ताकतवर है। अरे फॉर्च्यूनर तो गाड़ी है, टोयोटा ने बनाया, टोयोटा वाले ताकतवर है, तुम थोड़ी हो। अरे इधर काम नहीं हो रहा, 40,000 हो चुका है, 50 कर सकते थे, 10 बचा है, अब 10 होगा नहीं, अब 2 ही घंटे बचे हैं, सरेंडर कर जाते हो। सर उस 2 घंटे में जान लगा देते ना। अरे रिक, जिसके पास शक्ति है वो सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है, दुनिया पर राज करने वाला वही बन सकता है जिसके मन से शक्ति है, यहाँ से ताकतवर है वो। बाइक के पीछे लिखवाएंगे जय श्री राम, मुंह से जोर जोर से चिल्लाएंगे जय श्री राम। अरे मुंह से बोलोगे कि स्टिकर लगवाओगे कि राम से कुछ सीखोगे भी? इनकी मानता का परिचय पूरी दुनिया देती है, क्योंकि इनके दुश्मन इतने बड़े थे, इनके कॉम्पिटिटर इतने बड़े थे। चिन्नू मुन्नू छुटकू से नहीं लड़े, रिक्शे वाले से लड़ते फिर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड से लड़ रहे हैं, और गाड़ी के पीछे लिखवाओगे महाकाल। जब आप ये कहते हो कि इसकी वजह से मेरे साथ ये बुरा हुआ, तो आप कभी एनालाइज नहीं करोगे कि आपकी गलती थी कहां, और आप कभी भी सुधर नहीं सकते। माहिर है, ओलंपिक गोल्ड मेडल ले लें वो दारू पीने में। आदमी वक्त और हालात का मोहताज होता है, इसीलिए कभी दूसरों के कंधों पर भरोसा करके काम नहीं करना। दूसरे के कंधे नहीं, खुद के कंधों में ताकत होनी चाहिए। जब मीटिंग सेमिनार से कहीं से निकले तो मोटिवेशन फुल रहता है भाई साहब। अब मोटिवेशन फुल है तो आपको पता नहीं है सर इस महीने तो 2 लाख 10 लाख 20 लाख, लेकिन जैसे मोटिवेशन डाउन हुआ सर नहीं हो पाएगा, लग रहा है नहीं हो पाएगा, कोशिश तो बहुत की नहीं हो पाएगा। आर्नोल्ड स्वजनागर की कहानी सुनाता हूँ आपको। आर्नोल्ड जानते हो ना, वो बॉडी बिल्डर, जब गवर्नर थे ना वो, तो उन्होंने एक होटल का इनॉग्रेशन किया था। उस होटल के बाहर आर्नोल्ड की मूर्ति बनी हुई है, काफी साल बाद जब वो गवर्नर नहीं रहे, तो उसी होटल में वो रूम के लिए गए थे। होटल पूरा फुल था, होटल के स्टाफ ने रूम देने से मना कर दिया क्योंकि होटल पूरा फुल था। तो आर्नोल्ड को उसी होटल के बाहर अपनी बनी हुई मूर्ति के नीचे सोना पड़ा। तो आर्नोल्ड लिखते भी हैं कि इंसान की इज्जत नहीं होती है, इंसान के पद का इज्जत होता है। सम्मान इंसान का नहीं होता, सम्मान इंसान के पद का होता है, इंसान के ओहदे का, इंसान के पोजीशन का। तो इसीलिए कभी भी ऐसा काम मत करो कि आपको सामने तो लोग प्रणाम प्रणाम करें और पीठ पीछे आपको गालियां दें। जैसे हमारे यहाँ पे बिहार यूपी के स्कूलों में होता ना, मास्टर साहब को सामने प्रणाम, मास्टर साहब प्रणाम सर, प्रणाम सर, और पीठ पीछे अरे बड़ा हरामी है मास्टर। नहीं कोई पदाधिकारी सरकारी अफसर दिखा तो सामने तो जी हुजूर, या पैर छुएंगे जाकर के, अब पीछे तो अरे पता नहीं है इसका चक्कर कहाँ का चलता है। पद का इज्जत है ना वो, जिस दिन पद नहीं रहेगी कोई पूछेगा भी नहीं। राम के जंगल जाने के बाद भी, राम के राजा न रहने के बाद भी, पूरी प्रजा उनको मनाने जंगल गई थी, पूरी प्रजा। राजा तो उनको मिल ही गया था भरत, लेकिन फिर भी प्रजा मनाने के लिए गए। राम के पद की वजह से नहीं, राम के व्यक्तित्व की वजह से। भगत सिंह को फांसी लगने के बाद भी सिर्फ उनका परिवार नहीं रोया था, पूरा देश रोया था। गांधी जी जब मरे थे तो उनकी अर्थी को चिता देने के लिए कुछ लोग नहीं, पूरा देश आया था। और इनकी इज्जत इनके पद की वजह से थी भी नहीं, इनका पद था क्या, कोई बड़े अफसर वगैरह थोड़ी थे। इनकी ताकत इनके व्यक्तित्व में थी, इनकी ताकत इनके सोच में थी, लोगों का दिल जीता था इन्होंने, लोगों के लिए किया था इन्होंने। रोजा करके काम नहीं करना, दूसरे के कंधे नहीं, खुद के कंधों में ताकत होनी चाहिए, खुद के व्यक्तित्व में ताकत होनी चाहिए। सोच को ताकतवर बनाने का एक और फॉर्मूला बताता हूं सर, बड़बड़ करना बंद करो, चुप रहना सीखो, सुनना सीखो। बोलना आसान होता है सर, चुप रहना मुश्किल होता है। बोलना तो बच्चा भी कर लेता है, चुप रहना मुश्किल होता है। और चुप रहना तब जब आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा हो, जब आप बुरे समय से गुजर रहे हो और उस वक्त आपको कोई पिन कर दे, तब चुप रहना मुश्किल होता है। और उस समय जो चुप रह गया वो फिर महात्मा है, वो फिर महान है, वो फिर खिलाड़ी है, वो फिर राजा है। फिर बुद्ध की तरह ताकत चाहिए चुप रहने के लिए, बुद्ध की तरह।
लोगों को अक्सर मैं कहते हुए सुनता हूँ, अरे मुझे कोई सुना नहीं सकता, मैं सुना देता हूँ। पता है जरा सा ही बोला था, बोलती बंद कर दी मैंने उसकी। अरे जिसकी बोलती बंद करके आया हो ना, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, वो तुमसे ज्यादा समझदार है, उसकी सोच में तुमसे ज्यादा ताकत है, क्योंकि सुनने की शक्ति है, सहन शक्ति है उसमें। सहन के साथ शक्ति लगता है, क्यों? बोलने के साथ शक्ति नहीं लगता। बोलने को कला कहते हैं, लेकिन सहने को शक्ति कहते हैं। चाणक्य ने कहा था कि कब कहां और कितना बोलना है, यह समझ जिस आदमी को आ गया, वो आदमी फिर राजा बनने लायक है, वो आदमी फिर कुछ भी हासिल कर सकता है। जिस आदमी को यह समझ में आ गया कि कब कितना और कहां बोलना है। कहते कुत्ते को घी हजम नहीं होता, इसका मतलब समझ रहे हो? सर कुत्ते को घी हजम नहीं होता, इसका मतलब यह है कि आदमी जब ज्यादा उतावला होता है ना, आदमी में जहन शक्ति नहीं होती ना, उसको उल्टी करने की आदत होती है। उल्टी मतलब कोई कुछ सुनाया एकदम तड़ से उल्टी कर दिए, कोई कुछ बोल दिया तड़ से उल्टी के, हालात जैसे बुरे हुए, अरे भाई साहब इतना मुश्किल मेरे से कैसे होगा, इतना मुश्किल काम दे दिया कैसे होगा, ये उल्टी करना हुआ। कुत्ता भी ऐसे उल्टी करता है जब उसको घी दिया जाता है, आदमी भी ऐसे उल्टी करता है जब उसको अच्छी चीज दी जाती है। अच्छी चीज का मतलब क्या? सहने लायक चीज दी जाती है। जो आदमी घी को हजम कर लेता है ना, इसका मतलब यह है कि उसमें ताकत है, उसके पेट में शक्ति है पचाने की, और उसको पचा करके और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इसी तरीके से जब बुरा समय या बुरी बात आप तक पहुंचती है, आप उसको सहन कर लेते हो, तो सर आपकी शक्ति पहले से थी और आप और ज्यादा शक्तिशाली हो गए। किसने बुरा समय नहीं देखा, किसने बुरे लोगों को नहीं झेला, किसने बेइज्जती नहीं देखी? चाणक्य की बेइज्जती नहीं हुई, पाखंडी कह के, भूखा ब्राह्मण कह के, झूठा कह करके उसको धरानंद ने बाहर निकाल दिया था। देखो प्रकोप कैसा दिखा उस समय, वो ऐसे नहीं गाली लेने लग गया, तुम्हारी गाली नहीं देने लग गया, मारपीट करने नहीं लग गया, चुपचाप कसम खा करके चुटिया खोल करके निकल दिया। भाई साहब ताकत शक्ति का परिचय दिया, सहना सहन शक्ति आती है ना, उसके बाद लिए बदला। बदला लेने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, लेकिन कमजोर आदमी वहीं उल्टी कर देता है, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। सहना सीखो सर, परिस्थितियों को सहना सीखो, हालातों को सहना सीखो, कड़वी बातों को सहना सीखो। वो कड़वी बात कोई भी कह रहा हो, बड़े कह रहे हो, कई बार दुश्मन की कड़वी बात भी सहनी पड़ती है, गुरु की कड़वी बात सहनी पड़ती है, तभी तो सहन के साथ शक्ति लगता है, सहन शक्ति। मेरी बात से अग्री करते हो, मुझे चैट पे लिख के बताओ। यस मोहम्मद रसूक जी कह रहे हैं, सर आपकी ट्रेनिंग का मैं दीवाना हूँ। थैंक यू वेरी मच रसूक जी। सर दीवाना मत बनिए, सीखिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। दीवाना बनने से कुछ नहीं होगा। अपनी जुबान ठीक कीजिए, गौर कीजिए कि आपके मुंह से निकलता क्या है। शक्तिशाली आदमी जिसकी सोच में दम होता है ना सर, वो हमेशा नोटिस करता है कि वो क्या बोल रहा है, कब क्या बोल रहा है। वो गलती से वो भी कोई ऐसी बात नहीं निकालता जो उसके पर्सनैलिटी को खराब कर सकता है। लोग अक्सर कहते हो, मैं इनको सुनता हूं, अरे मेरे लाइफ में बहुत टेंशन है सर, आपको पता नहीं कितनी दिक्कतें हैं मेरे साथ, बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है, बहुत परेशान हूं, बहुत आफत है। एक बात बताओ, आप जब कहते हो कि बहुत टेंशन है, ये कहने से आपका टेंशन कभी दूर होगा? नहीं। आप जब ये कहते हो कि आपके साथ बहुत समस्याएं हैं, ये कहने से क्या समस्याएं दूर होगी? बिल्कुल नहीं। सर इसका समाधान करना पड़ेगा ना जी। आपको समस्या पता है, जब आपको ये पता चल जाए कि आपके घर में सांप निकला है, सर सांप को छोड़ दोगे, रहने दोगे अपने घर में, निकाल के बाहर करोगे ना जी। तो जब आप ये चीजें बोलते हो, आपको पता है कि इससे समस्याएं ठीक नहीं होने वाली, और इससे आपका मूड और हालात और ही खराब होता है। क्योंकि जब आप बोलते हो कि मेरी हालत बहुत खराब है, इसके अब उस वक्त अपना मेंटल स्टेटस चेक करो, आप उस वक्त खुद में दुखी फील करते हो। आप उस अगर दुखी नहीं भी हो, बोल के देखो, अरे मैं तो बहुत टेंशन में रहता हूं दिन रात। सर अगर टेंशन में नहीं भी हो, तो ये बोलने के बाद आप टेंशन में आ जाओगे उस वक्त। तो जब आपको पता है कि ये प्रॉब्लम करता है आपके मेंटल स्टेटस पर, आपके दिमाग को डिस्टर्ब करता है, आपके काम को डिस्टर्ब करता है, ऐसी बात बोलते क्यों? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए।
ये क्यों नहीं कहते अपने सर से कि आप सर आपको नहीं पता कि मेरे में कितनी स्ट्रेंथ है, मेरे में क्या क्या खूबियां हैं, उनको इस्तेमाल करके मैं एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ये सब बातें क्यों नहीं बोलते? आज के बाद ये कहना बंद करो, अपनी दिक्कतों को गिनाना बंद करो। मुंह से जो अपनी दिक्कतें निकाल के चार आदमी को बताते हो ना, ये भी दिक्कत है, क्या हम दर्दी लेने गर्लफ्रेंड पटाने के लिए निकले हो? कोई फायदा नहीं है सर इससे। कमजोरी अगर जान गए हो उसको ठीक करो, उसको पालो नहीं, और हमेशा ना ग्रेटिट्यूड रखो गुरु के लिए, अपलाइन के लिए, भगवान के लिए, दूसरों के लिए। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उसका क्रेडिट हमेशा खुद को दो, किसी और की वजह से नहीं, मेरी किसी ना किसी गलती की वजह से मेरे साथ ये हुआ है, हमेशा ये कहना शुरू करो और उसको एनालाइज करो किस गलती की वजह से हुआ है। जब आप ये कहते हो कि इसकी वजह से मेरे साथ ये बुरा हुआ, तो आप कभी एनालाइज नहीं करोगे कि आपकी गलती थी कहां, और आप कभी भी सुधर नहीं सकते। दो गलती दोबारा करने की गुंजाइश बढ़ जाती है जब आप कहते हो उसकी वजह से मेरे साथ गलत हुआ है, तो सारी गलती तो आपने उसमें देख ली ना, आपने तो गलती देखी नहीं, तो सुधारोगे क्या? जब आप ये कहना शुरू कर देते हो कि जरूर मैंने कुछ गलती करी है जिसकी वजह से मैं आज ये भुगत रहा हूं, फिर आप सोचना मनन चिंतन शुरू करते हो और अपने आप को बेहतर करना शुरू करते हो, फिर अगली बार वो गलती नहीं होती, फिर आप बेहतर सिचुएशन में पहुंचते हो। लेकिन जब कुछ अच्छा हो तो अच्छा होते वक्त ये मत कहो कि मेरी वजह अच्छा हुआ है, अच्छा होने वक्त अच्छा हुआ तो क्रेडिट हमेशा किसी और को दो, ना मिले तो भगवान को दो क्रेडिट। मैं तो हमेशा कहता हूं मेरे साथ जो भी अच्छा हो रहा है भले कर मैं रहा हूं लेकिन करवा मुझसे ऊपर वाला रहा है, भले प्लानिंग मेरी है लेकिन उस प्लानिंग करने की बुद्धि मुझे ऊपर वाला देता है। बिल्कुल सही बात। तो कभी घमंड नहीं आता, कभी ये नहीं आता कि मैं ताकतवर, मैं अच्छा, मैं वाली फीलिंग नहीं आती सर। और जब आपके पे घमंड का लेवल चरम पर होता है ना, तो समझ लो पतन की शुरुआत वहीं से होती है। बिल्कुल। रावण के पतन का कारण घमंड था। घमंड में आदमी अंधा होकर के वो सारी चीजें करता है जो उसके विनाश का कारण बनती है। और इस घमंड से बचे रहने का एक ही तरीका है, आपके साथ जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी अच्छा काम कर पा रहे हो आप, जो भी बेहतर कर पा रहे हो, उसका क्रेडिट किसी और को दो और भगवान को तो हमेशा ही दो, क्योंकि उसी की मर्जी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब बुरा हुआ तो क्रेडिट किसी और के पास नहीं जाना चाहिए कि भगवान मेरे साथ बुरा करा, ऐसा नहीं। बुरा हो तो क्रेडिट खुद को, तभी तो एनालाइज करोगे। विश्वामित्र जब राम को लेने आए थे ना, वो टाइम ऐसा था कि ऋषि मुनि जब तपस्या वगैरह करते थे तो राक्षस लोग बड़ा परेशान करते थे उनको जंगल में। तो विश्वामित्र अयोध्या गए राम को लेने के लिए कि राम उन राक्षसों को मारेगा। राम का उस वक्त राज्याभिषेक हुआ था नया नया। तो जब दशरथ के पास पहुंचे कि जरा भाई साहब अपने लड़के को भेजो, तुम्हारा लड़का हमको चाहिए, बहुत दिक्कत कर रहा है राक्षस वक्षस, तो दशरथ बोले अरे भाई साहब ऐसे कैसे, लड़का अभी भी कॉलेज पास आउट होकर के आया है, इसको कहाँ ले जा रहे हो, तो लड़का जवान है, इसको खेलने खाने दो, थोड़ा पूरी सेना ले जाओ, इतनी बड़ी सेना है मेरे पास, टैंक वैंक सब भेजते, इसको ले जाओ, एक एक राक्षस को चुन चुन के मारेंगे। तो विश्वामित्र ने क्या कहा, बड़ा ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि इन चार चीजों में से किसी भी एक चीज में अगर अधिकता हो जाए किसी इंसान के पास, तो उस आदमी में घमंड हो जाता है। वो चार चीजें क्या हैं? सबसे पहला धन, किसी के पास बहुत पैसा हो गया तो भैया घमंड तो आ ही जाता है, हम पता है फॉर्चूनर लिए हैं भैया, फॉर्चूनर का घमंड। दूसरा बल, बहुत ताकत है, ताकतवर आदमी पूरी दुनिया को कमजोर समझता है, वो किसी को भी वो कुछ समझता ही नहीं, फिर जिसके पास बहुत ताकत है, बहुत बल है, दुनिया में कमियां निकालता रहता है। उसके बाद बुद्धि, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको पूरी दुनिया बेवकूफ दिखती है। फिर सुंदरता, जो सुंदर आदमी होता है वो अपने चौड़ में रहता है, मैं सुंदर हूं, चाहे लड़का हो लड़के, अरे मैं सुंदर खूबसूरत। तो विश्वामित्र कहते हैं कि इन चारों में से कोई भी एक चीज किसी के पास अधिक हो जाए तो उस आदमी को घमंड हो जाता है। राम में ये चारों चीजें हैं और भरपूर हैं, फिर भी घमंड नहीं है, इसलिए उसको लेने आया हूं, इसलिए राम ही चाहिए। मैं लोगों को देखता हूं बाइक के पीछे लिखवाएंगे जय श्री राम, हेडलाइट पे लिखवाएंगे जय श्री राम, टी शर्ट में लिखवाएंगे जय श्री राम, मुंह से जोर जोर से चिल्लाएंगे जय श्री राम। अरे मुंह से बोलोगे कि स्टिकरे लगवाओगे कि राम से कुछ सीखोगे भी जी।
हम भगवान में मानते जरूर हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। राम का चरित्र कैसा था ये भी तो देखो, पूरा राज्य बोले भरत को दे दो, दे दो, क्या दिक्कत है भाई अपना ले 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 ले। आज के टाइम में अगर भाई बोल दे भैया वो गांव वाला घर आप रख लो, शहर वाला घर हम रख लेते हैं, उसमें थोड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा जमीन काम हो जाएगा, तुरंत कॉलर पकड़ लो गए ऐसे कैसे, नहीं नहीं कुछ नहीं दोनों मेरा है, बाबूजी बोल के गए मेरा है, तुम्हारा एक उधर वाला जमीन है पीछे खेत वाला बस वही है, बाकी दोनों घर मेरा है। लिखवाओगे जय श्री राम और हरकत सारा रावण वाला करोगे, रावण यही तो था, अपने भाई को विभीषण को लात मार के बाहर कर दिया, हरकतें हमारे यही होती है रावण वाली, और लिखवाएंगे जय श्री राम। मैं देखता हूं गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगा होता है महाकाल और वो जो स्टिकर लगाया रहता है गाड़ी में वो पूरा चौड़ में रहता है, रिक्शा वाला कहीं टच हो गया तो रिक्शा वाले को एक थाप मार देगा, तुम पता नहीं कौन है, महाकाल लिखा हुआ मेरे पीछे, किसी सब्जी वाले से लड़ेगा, छोटे छोटे लोगों से लड़ेगा। अरे महाकाल का मतलब मालूम क्या होता है, महाकाल का अगर स्टिकर लगवा के रखे हो तो महाकाल से सीखो ना, वो कैसे है उनकी तरह बनो तो बनने की कोशिश तो करो। महाकाल का मतलब महाकाल मतलब महाविनाशक, महाविनाशक किस चीज का, दुनिया की सारी बुराइयों का विनाशक, दुनिया में जितनी बुरी चीजें हैं वो सबको खत्म करने वाले, ये नहीं कि कमजोर लोगों को थाप लगाने वाले। अरे रिक्शा वाला अपना काम कर रहा है उसको जरा सटा भी दिया तो क्या जरूरत है उसे लड़ने का, बजाय उसको अगर दो लाइन बोल दोगे अरे भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा ठीक से चला लिया करो, खुश रहेगा वो भी। सिक्योरिटी गार्ड से लड़ते हुए मैंने देखा फॉर्च्यूनर वाले को सिक्योरिटी गार्ड से लड़ते हुए, अरे सिक्योरिटी गार्ड को दिन में दो बार अगर सिर्फ इतना पूछ लो क्या हाल है गार्ड साहब, मैं अपनी सोसाइटी में करता हूँ, मैं जब भी नीचे उतरता हूँ अपने क्या हाल है गार्ड साहब, क्या हाल है गार्ड साहब, क्या हाल है गार्ड साहब करता रहता हूँ, बस इतने ही से ना गार्ड वो खुश रहता है, मुझे एक्स्ट्रा चार बार सलाम करता है बस इतना पूछ देने से। और ऐसे आदमी से लड़ते हो स्टिकर लगवाते हो महाकाल, बेवकूफ। सोच में ताकत होनी चाहिए सर, मानसिक मजबूती जरूरी है, ये सब ना मानसिक अपंगता मानसिक विकलांगता के लक्षण है, ये सब करना कमजोरी का निशानी है। फॉर्च्यूनर खरीद लिए तो ताकतवर है, अरे फॉर्च्यूनर तो गाड़ी है, टोयोटा ने बनाया टोयोटा वाले ताकतवर है, तुम थोड़ी हो, तुम तो ताकतवर तब बनोगे जब अपने मानसिक चीजों को विकसित करोगे, जब अपने काबिलियत डेवलप करोगे, चरित्र लिख लाओगे राम वाला, चरित्र लाओगे महाकाल वाला, तब जाके ताकतवर बनोगे ना। जो मजबूत लोग होते हैं ना, देखो आदमी की मजबूती ना एक और चीज से पता चलती है कि आपके दुश्मन कितने बड़े हैं, आपके कॉम्पिटिटर कितने बड़े हैं। एक